हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में। इसके लिए मैंने 3 बुक्स का सहारा लिया है, रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और द एमिट। दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंस एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले लोगों में यह है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे ला कर दे, और उसके बाद सारी कम्फर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीज़ें खरीदते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और पूरी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटलिटी वाले लोग सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ की एक्चुअल स्टोरी जानते हैं। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज़्यादा उदार पर थे। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज़्यादा इनकी लोन इंस्टॉलमेंट थी जो इन्हें देनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोगों से जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आ रहा, उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट के पैसे इकट्ठा करते थे। क्योंकि ये जानते थे अगर ये पहले उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव करे हुए बाकी पैसों से ही इन्वेस्टमेंट करी और फाइनली मिलियनेयर बन गए। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सबसे पहले अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारे सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा हम उसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन वॉरेन बफे भी बोलते हैं कि पहले पैसे सेव करो और उसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है, अपनी सैलरी का मिनिमम 20% हमेशा सेव करो। अब ऑब्वियसली सिर्फ सेविंग आपको अमीर नहीं बनाएगी, उसके बाद आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन ये फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है अमीर की तरफ। डिफरेंस नंबर 3, फॉर्मल वर्सेस स्पेसिफिक। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफरेंस है जिसका शिकार मैं भी था। मेरे मॉम डैड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे और सक्सेसफुल बने। इसलिए उन्होंने वो सब किया जो कर सकते थे, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा किया। बहुत सेक्रीफाइस करी, बहुत मेहनत करी और हमें छूट दी कि हमें जो बनना है वो बने और फीस की फिक्र ना करें। नाउ मेरे दिमाग में भी यही बात बैठी थी मेरे पेरेंट्स की तरह कि अगर कामयाब होना है तो मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी अपने दोस्तों की तरह इंजीनियरिंग चूज कर ली। मतलब फॉर्मल एजुकेशन के सहारे मैंने भी सोचा था कि सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन जब मैंने फॉर्मल एजुकेशन से हटके सेल्फ एजुकेशन चालू की, रियल में जो मिलियनेयर बिलियनेयर है उनकी बुक्स पढ़ी, मेंटर्स की बातें सीखी, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में फॉर्मल एजुकेशन इंसान को बस जॉब करना सिखाती है, जबकि अगर मुझे रियल में बड़ा बनना है तो मुझे स्पेसिफिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्पेशल एजुकेशन पर फोकस करना होगा। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कामयाब होने का तरीका है फॉर्मल एजुकेशन, जो चीज़ बुरी नहीं है, ज़रूरी भी है कुछ चीज़ें सीखने के लिए, इसलिए लेनी भी चाहिए। लेकिन रियल सक्सेस के लिए फिर आपको उसके बाद सेल्फ एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन पर भी फोकस करना होगा, तभी आप बहुत जल्दी पैसे कमाना सीख जाओगे और सक्सेसफुल बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग अपने स्किल्स को पूरी ज़िंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की ऐड कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती? कभी भी फरारी वाले आपको टीवी में ऐड दिखा के नहीं बोलेंगे कि आप उनसे फरारी खरीद लो, ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी या प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए पैसे खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में खरीद सकते हैं वो अपना टाइम टीवी देखने में वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट डॉक कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और उन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, और वो आराम से जॉब के बाद घर में आते और टीवी देख के अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। नई चीज़ें सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है।
लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपने स्किल्स पूरे जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहना है। नई चीज़ें सीखना उनका पैशन है और ये चीज़ उन्हें रिलैक्स करती है। डिफरेंस नंबर 5, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। आपने बड़े होते होते ये बात किसी ना किसी से ज़रूर सुनी होगी कि कैसे जो पहले का टाइम था वो बहुत अच्छा था, कैसे चीज़ें बहुत सस्ती थी, लोग अच्छे थे, म्यूजिक अच्छा था, एक्ट्रेस अच्छे थे। वैसे सच बोलूँ तो ए आइडिया यूजली हर जनरेशन के लोगों को लगता है, जो कई बार सच भी होता है, लेकिन ऐसी सोच को बार बार लाना और बार बार बस पास्ट में रहना ये अच्छी बात नहीं है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग अपने बाप दादा या एंसेंट की चीज़ों की बातें करते हैं जिसने बहुत अच्छे काम करे हुए थे अपने टाइम में। बट बस थोड़े बहुत लोग होते हैं रिच मेंटेलिटी वाले लोग, वो पास्ट में जीने के बजाय, पास्ट की चीज़ों से प्राउड फील करने के बजाय खुद ऐसा फ्यूचर बनाने का सोचते हैं जिससे वो खुद को प्राउड फील करा पाए और आने वाले टाइम में लोग उनकी बातें करें, ना कि बस वो दूसरों की बातें करते रह जाए। इसलिए वो फ्यूचर गोल सेट करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और अपने काम करते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम पुअर मिडिल क्लास पास्ट की बात करते हैं, जबकि रिच लोग फ्यूचर की बात करते हैं और उसे अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं, जो आपको भी करना चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का बटन दबा देना, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।